दरिंदे के गाल पर तमाचे की तरह जाके लगे तो मैं सुनना चाहूंगा। माना तुम खूनी पंजों से वो चिड़िया नन्नी हार गई पर, माना तुम खूनी पंजों से वो चिड़िया नन्नी हार गई पर, तुम छह थे वो एक अकेली थी, सो इतना इतना ना ठीक नहीं, अगर दो चार रही वे भी होती उनका भ्रम टूटे इस बात पर कि वो छह थे और वो अकेली थी और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। माना तुम खूनी पंजों से वो चिड़िया नन्नी हार गई पर, तुम छह थे वो एक अकेली थी, सो इतना इतना ना ठीक नहीं, अगर दो चार रही वे भी होती तो अंजाम हुए ऐसे होते, जो सरिये साथ तुम्हारे थे वो उनके हाथ रहे होते। सरकारों से कहा हमें इनके लिए फांसी चाहिए, सरकारों ने कहा हमारे पास कानून नहीं है सर। तब एक शक पैदा होता है और मैं शक को गाना चाहूंगा। शक ये कि अगर आप कानून नहीं दे सकते तो फिर कौन देगा। सत्ता में शामिल हो तुम और सत्ता आज तुम्हारी है, सत्ता में शामिल हो तुम और सत्ता आज तुम्हारी है, आधे से ज्यादा भी इसमें भागीदार तुम्हारी है, फिर भी अगर कानून नहीं दे सकते तुम तो कुछ तो गड़बड़ झाला है, तुम में से ही है कोई जो इन सब का रखवाला है, हो ना हो काली करतूतों वाले सभी ये नातेदार तुम्हारे हैं, या तो खून तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो खून तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं। कितने कितने वादे हुए चुनाव से पहले, काला धन चीनी सेना ये वो, मैं नाम तो नहीं लूंगा, भाजपा के एक बड़े नेता है वरना आप लोग समझ जाएंगे मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये चुनावी जुमले होते हैं इन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अंदर से बहुत आहत था उस दिन, कहना चाहता हूँ बोल तो तुम भी बड़ा अच्छा लेते थे साहेब, बोल तो तुम भी बड़ा अच्छा लेते थे साहेब, अब वे लफ्ज कहाँ हैं जब से सरकारों में आ गए साहेब। और आपको याद होगा गौरी लंकेश एक पत्रकार जिसकी अभी कुछ दिन पहले उसके घर के सामने गोली मार करके हत्या कर दी गई। मुझे नहीं पता कौन थी गौरी लंकेश, पर अगर एक हिंदू देश में हिंदू होकर के हिंदू कट्टरता के खिलाफ थी तो निश्चित ही कोई निडर कलम थी, और इस कलम को दबाने की कोशिशें ये सही नहीं है। तब कहना चाहता हूँ कलम को तोड़ दूँ या मैं सच लिखना छोड़ दूँ साहेब, कलम को तोड़ दूँ या मैं सच लिखना छोड़ दूँ साहेब, कि जो तुम पर बोल गया हो कुछ वो जिंदा कहाँ रहा साहेब।